नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप देश न्यूज देख रहे हैं। विपक्ष जो है पूरी तैयारी कर चुकी है कि कैसे किसान के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाए, और इसी को लेकर कल यानी 30 तारीख को जो मानव श्रृंखला है वो बनाने जा रही है विपक्ष की तरफ से। ये श्रृंखला ऐसी होगी कि बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक होगा। तो कहीं ना कहीं इस सवाल को लेकर हमने कई और सवाल पूछे। भाकपा माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था इसी को लेकर कि कल हम लोग 12:30 बजे से मानव श्रृंखला बनाएंगे किसानों के सम्मान में और किसान कानून के विरोध में। हमने कई तीखे सवाल पूछे। दीपांकर भट्टाचार्य जो थे उन्होंने जवाब देने से इनकार नहीं किया, लेकिन भागते हुए नजर आए। क्या बोल रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, जरा सुन लीजिए। देखिए, कल मानव श्रृंखला पूरे बिहार में जबरदस्त इसकी तैयारी चल रही है, और हमें लगता है कि 26 तारीख के बाद जिस तरह से सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और न सिर्फ किसान आंदोलन को बदनाम करने बल्कि लोगों को किसानों के खिलाफ भड़का करके, गुंडों से हमला करवा करके और पुलिस और काले कानून का इस्तेमाल करके, तो एक तरह से किसान आंदोलन को दबा देने की पूरी कोशिश है। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे में कल तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के किसान खड़े हो गए पंजाब और हरियाणा के साथ, तो अब बारी है बिहार की, बिहार को भी खड़ा होना चाहिए। इसलिए कल हम लोग यही कोशिश करेंगे कि ये संदेश पूरे देश में जाए कि पंजाब और हरियाणा के साथ अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी खड़ा हो गया है, और जब इतने बड़े पैमाने पर किसानों की और आम लोगों की गोलबंदी होगी तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। दूसरा सवाल इसमें है कि किसानों के मुद्दों के साथ साथ अब ये लोकतंत्र का सवाल आ गया है। एक तो जो कानून पारित किए गए थे संसद में वो अपने आप में संविधान पर हमला था। इस पर कानून बनाने का प्राधिकार सरकार संसद को नहीं है, ये देश के संघीय ढांचे पर हमला था, और जिस तरीके से कानून पारित किया गया था वो भी घोर अलोकतांत्रिक था। लेकिन अब इस किसान आंदोलन को दबाने के लिए किसानों के समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ जिस तरह से सरकार काले कानूनों का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से अभी हमने देखा कि राजदीप सरदेसाई से लेकर मृणाल पांडे से लेकर शशि थरूर से लेकर के राजनेता पत्रकार उनके ऊपर सीडिशन के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये सवाल तो लोकतंत्र का बन जाता है। और इसलिए कल बिहार के इस मानव श्रृंखला से इस लोकतंत्र के पक्ष में भी हम लोग जोरदार आवाज़ बुलंद करेंगे। बिहार सरकार जो लगातार एक तरह से आरोपों के घेरे में है, अपराध बढ़ रहा है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा करके बिहार की जनता के जुबान पर ताला लगा दे। सवाल ये कि 26 जनवरी की जो घटना थी उस घटना का श्रेय किसको दिया जाए? दो तरफ की बातें हैं, बड़ी सवाल। पहली बात ये कि जब कैप्टन हिल पे अमेरिका में कुछ होता है तो बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे जिन्होंने ये किए, तो उसका जो फोड़ा जाता है ठिकरा वो डोनाल्ड ट्रंप के। और जब लाल किले पर इस तरह की वारदात होते हैं तो उसके बाद जो विपक्ष है वो चूंकि पहले से किसानों का समर्थन कर रहे हैं और किसानों ने ऐसा काम किया है, तो इसका ठिकरा क्या विपक्ष पर नहीं जाएगा? आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं जब हम कैप्टन हिल का डोनाल्ड ट्रंप पे फोड़ते हैं तो आप लोगों पर भी तो इसका ठिकरा नहीं। पहली बात तो देखिए, जो किसान आंदोलन का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में लाल किले में प्रदर्शन करने की कोई बात नहीं थी, तो ये अपने आप में लाल किले में कुछ लोग कैसे गए और वहाँ कैसे प्रदर्शन हुआ इसका जवाब सबसे पहले इस देश के होम मिनिस्ट्री को देना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बात उल्टी है, अगर इसको वाकई एक अब कानून की बात करेंगे, व्यवस्था की बात करेंगे, उसके संकट की बात करेंगे, तो उसकी जवाबदेही गृह मंत्री की बनती है। कायदे से गृह मंत्री को तब इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात है कि इस पूरे मामले में जहां किसान संगठनों ने कह दिया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं थी, और उन्होंने बल्कि वो कह दिया कि हम तो इसको सही भी नहीं मानते जो कुछ हुआ है, तो लेकिन जिन लोगों ने इसका एक तरीके से जिम्मा लिया है, दीप सिद्धू, देखा जा रहा है कि ये लोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके गुरदासपुर में सानी देओल के पूरे चुनाव में लगे हुए थे और मोदी जी के साथ अमित शाह के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं इन लोगों के, तो इसलिए ये पूरा मामला, तो बल्कि किसान लोग तो यही कह रहे हैं, संगठन के लोग, इसकी ठीक से जांच हो कि आखिर इस कार्यक्रम ये जो कुछ हुआ है ये आपके लाल किले वाले इसमें,
एक तो इसका गलत प्रचार किया जा रहा है, जो हुआ है उसको भी बढ़ा चढ़ा करके और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उसमें कहीं भी कोई तिरंगा को अपमानित बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव आंदोलन था इस संविधान और तिरंगा लेकर के ही किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सिद्धू का जिक्र कर रहे हैं, हम ये कंफर्म से नहीं कह सकते हैं जब तक इंटेलिजेंस की बात भी आपने की, इंटेलिजेंस फेल्योर रहा जैसा कि आपने बोला होम मिनिस्ट्री को, ये फिगर आप बोल रहे हो, लगता नहीं है कि विपक्ष भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो भी हुआ अगर किसान अब उस चीज को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं सोचा, ऐसा नहीं है कि उसमें केवल उपद्रवी हैं, कुछ तो किसान होंगे, पांच ही मान लीजिए, हम पांच ही किसानों का जिक्र करें, जो कुछ भी हुआ उसमें किसान भी सहयोगी थे, और अगर किसान सहयोगी थे तो विपक्षी पार्टी जिन्होंने उनका समर्थन किया वो भी सहयोगी होंगे। ये कोई बात नहीं हुई, देश में जब भी जब बड़े कोई आंदोलन हुए हैं तो हर बड़े आंदोलन में कहीं कुछ छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन इसके लिए कभी भी ना तो आंदोलनों को बदनाम किया गया, आप याद करके देखिए कि 2014 से पहले जो भी बड़े आंदोलन हुए, निर्भया बलात्कार कांड के खिलाफ बलात्कार विरोधी बहुत बड़ा आंदोलन था, उस समय भी राष्ट्रपति भवन की ओर छात्र नौजवान बढ़ रहे थे, पूरे पानी का बौछार हो रहा था उनके ऊपर, जो अन्ना आंदोलन था घोटालों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, जिसमें बाबा रामदेव को हमने देखा कि वो पूरा कैसे किस तरह से भागे सबको पता है, तो ये इस तरीके की बड़ी बड़े आंदोलनों में कुछ छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन 2014 से पहले आंदोलनों से बल्कि सरकार बदल गई दिल्ली में, सरकार बदल गई केंद्र में, लेकिन कभी आंदोलनों को देशद्रोही नहीं करार दिया गया, कभी इसके लिए किसी आंदोलन को समर्थन करने वाली पार्टियों पर सवाल नहीं खड़ा किया गया। ये शुरू हुआ है सिलसिला मोदी जी के आने के बाद से, कि जब भी कोई कुछ लोग सच कहते हैं, कोई मुद्दा सामने आता है, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, चाहे वो रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद जब छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, उसके लिए JNU को बदनाम किया गया, छात्रों को बदनाम किया गया, और हर उसमें आप देखेंगे कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोई, कभी कभी तो पता चला कि बिल्कुल फर्जी वीडियो है, तो इस तरीके से फर्जी वीडियो के जरिए कुछ लोगों को प्लांट करके इस तरीके के कुछ एक नैरेटिव खड़ा करके छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, आपके पूरे शाहीनबाग के नागरिकता आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, और अब किसानों पर भी यही कोशिश चल रही है। ये तो सरकार का रवैया है कि आंदोलनों को बदनाम करो, आंदोलन के खिलाफ लोगों को भड़काओ, गुंडों को उतारो, और फर्जी मुकदमे और काले कानून उसका इस्तेमाल करके नेताओं को जेल में डालो, और अभी इसीलिए आप देखेंगे ये बात अब लोगों को समझ में आने लगी है, और कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस पूरी साजिश को नाकामयाब करते हुए आगे बढ़े हैं, मैं समझता हूँ कि लोग इसको समझ रहे हैं।